मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को क्लास सेवेंथ की संस्कृत का तीसरा पार्ट पढ़ाएंगे। देखिए तृतीय पार्ट है, चैप्टर का नाम है सूर्योदय। सूर्योदय का मतलब होता है सूर्य का उदय। उदय मीन्स होता है निकलना, सूर्य का निकलना। देखिए जब भी हम किसी कार्य का प्रारंभ करते हैं तो दिन जब शुरू होता है अर्थात जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तो क्या होता है, प्रभात होती है, सुबह होती है, तभी हम अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। तो देखिए आइए हम आज इस चैप्टर में यही अध्ययन करेंगे कि जब सूर्य भगवान उदित होते हैं, निकलते हैं, तो उसके बाद हमारे जीवन की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो देखिए इदानीम प्रभात वेला अस्ति। इदानीम मतलब होता है अब या इस समय। प्रभात मीन्स होता है सुबह का, वेला मीन्स समय, अस्ति माने है अब। सुबह का समय है, सूर्य शनैः शनैः पूर्व दिशायाम उदयति। सूर्य धीरे धीरे, शनैः शनैः मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे पूर्व दिशा में उदित होता है या निकलता है। सूर्य किरणैः अंधकारः नश्यति। देखिए नश्यति मीन्स नष्ट होता है। सर्वत्र च प्रकाशः प्रसरति। सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट होता है और सब जगह प्रकाश फैलता है। खगाः पशवः मानवाः च निद्रां त्यक्त्वा उतिष्ठन्ति। देखिए पक्षी पशु, खगाः मीन्स क्या हो गया, पक्षी, अब पशवः मीन्स पशु, मानवाः मीन्स मानव। पक्षी पशु और मानव निद्रा मीन्स नींद, नींद को त्यक्त्वा मीन्स त्याग कर उत्तिष्ठन्ति माने उठ जाते हैं। देखिए पक्षी पशु और मानव नींद को त्याग कर उठ जाते हैं। खगा नाम कलरवय वातावरणम गुंजितम भवति। पक्षियों के कलरों से वातावरण गुंजित होता है। उद्यानेषु तरुणाम शाखासु पुष्पाणि विकसन्ति। बगीचे में पौधों पर की शाखाओं पर फूल खिलते हैं। विकसन्ति मीन्स खिलते हैं। सुगंधेन पूरित वायु मंदम मंदम चलति। देखिए सुगंधित वायु से, देखिए सुगंध से पूर्ण, सुगंधेन पूरित का मतलब क्या हुआ, सुगंध से पूर्ण वायु धीरे धीरे, मंदम मंदम मतलब धीरे धीरे, चलती माने चलती है। देखिए सुगंध से पूर्ण वायु धीरे धीरे चलती है। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया कि जब सुबह हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नींद से जाग जाते हैं। सुबह देखेंगे तो जो पौधे होते हैं उस पर फूल खिल जाते हैं और वहां का वातावरण सुगंधित हो जाता है, ऐसा ही होता है ना। आइए अब देखिए सेकेंड पैराग्राफ। देखिए अब हम आप लोगों को दूसरा पैराग्राफ पढ़ाएंगे। जनाः भ्रमितुम् उद्यानम् गच्छन्ति। लोग घूमने के लिए बगीचे में जाते हैं। तत्र त्रे भ्रमन्ति व्यायामम् च कुर्वन्ति। वहां वे घूमते हैं और व्यायाम करते हैं। अनंतरम् शाकादिकम् कृत्वा स्वगृहम् गमिष्यन्ति। इसके बाद सब्जी, देखिए साग आदि का माने साग भाजी जिसको हम कहते हैं ना, सब्जी आदि, कृतो माने खरीद कर, स्व माने अपने गृह घर, ग्रमिष्यन्ति माने जाएंगे। इसके बाद सब्जी आदि खरीद कर अपने घर जाएंगे। भक्ता स्नात्वा देवालयम गच्छन्ति। भक्त जन स्नान करके देवालय जाते हैं। देवालय कौन जानते हैं, देव मंदिर, आलय मीन्स क्या हो गया, मंदिर या घर, देवघर, जहाँ मंदिर जिसको बोलते हैं, ठीक है। देवालय प्रभु स्मृत्वा गृहम आगमिष्यन्ति। देवालय में प्रभु को याद करके वे घर वापस आएंगे। ततः स्वदिनचर्यायाम रता भविष्यन्ति। इसके पश्चात अपनी दिनचर्या में लग जाएंगे। स्त्रियः ईश्वरम नमन्ति। स्त्रियां ईश्वर को नमन करती हैं। अनंतरम ताः पाकशालायां प्रातराशं प्रच्छन्ति। इसके पश्चात वे पाकशाला, मन जानते क्या होता है, रसोइयां घर, पाक मीन्स क्या होता है, भोजन,
साला मीन्स घर, तो भोजन बनाने का जो घर हो गया उसको क्या कहते हैं, रसोई घर। इसके पश्चात वे रसोई घर में देखिए प्रातरासम, प्रातरासम मतलब प्रातः, प्रातः अंश मतलब सुबह का भोजन प्रच्छन्ति माने बनाती हैं। गृहस्थ सदस्या प्रातरासम कृत्वा स्वकार्यालयं गमिष्यन्ति, घर के सदस्य नाश्ता करके अपने कार्यालय जाते हैं या जाएंगे। बाला अपि पठनाय पुस्तकानि आदाय विद्यालयं गच्छन्ति, देखिए बाला मीन्स क्या हो गया, बालक लोग भी पढ़ने के लिए पुस्तक लेकर विद्यालय जाते हैं। विद्यालयं गत्वा गुरुन प्रणम्यते अध्ययनं करिष्यन्ति, विद्यालय जाकर गुरु को प्रणाम करके वे अध्ययन करेंगे। फिर देखिए आपका थर्ड पैराग्राफ, दिने सूर्यस्य अंशवः प्रखराः भविष्यन्ति, दिन में सूर्य की किरणें तेज होती हो जाएंगी। देखिए जब सुबह होता है तो सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे रहता है, कम धूप लगती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे सूर्य का प्रकाश क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, तो हमें धूप भी लगने लगती है, गर्मी भी लगने लगती है। तो वही कह रहे हैं कि दिने सूर्यस्य अंशवः प्रखराः भविष्यन्ति, दिन में सूर्य की किरणें तेज हो जाएंगी। अब देखिए भास्करः भानुः सहस्रांशु रवि च सूर्यस्य अभिधानानि सन्ति, देखिए भास्कर भानु सहस्रांशु रवि और सूर्य के नाम हैं। देखिए ये इनके पर्यायवाची जिसको हम बोलते हैं ये है, सूर्यस्य भानुम बिना धरायाम जीवनम असंभवम अस्ति, सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है, अर्थात यदि सूर्य नहीं निकलेगा तो जो पेड़ पौधे वो अपना भोजन प्राप्त नहीं करेंगे, तो वो जीवित नहीं रहेंगे, तो उनके द्वारा जो ऑक्सीजन हमें मिलती है वो नहीं मिलेगा, तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे। यह संसाराय प्रकाशम यच्छति, जो संसार को प्रकाश देता है, तस्मै सूर्याय नमः, मैं उस सूर्य को नमस्कार करती हूँ। देखिए आपका ये चैप्टर अब समाप्त हो गया, तो इसमें देखिए सूर्योदय के बारे में बताया गया और हमें प्रतिदिन की अपनी दिनचर्या कैसी करनी चाहिए कैसे नहीं करनी चाहिए उसके बारे में भी बताया गया, जो कि ये संस्कृत में लिखा था उसको ट्रांसलेट करके हमने आपको हिंदी में बताया। आशा करते हैं आपको यह पाठ अवश्य ही समझ में आया होगा, आप इसकी वर्ड मीनिंग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।